सभी भाइयों को राम राम। आज फिर मैंने एसपीडी 20 प्रो पैड पर तबला कहरवा का पेंच बनाया है। आइए पहले इसे बजा के दिखा देता हूँ, उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बता दूंगा। और सभी लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक पहुँच जाए। और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा हमारा पेंच। और कोई भी पेंच सुने तो उसे ईयरफोन लगा के या बढ़िया साउंड लगा के सुने, जिससे आपको क्वालिटी पता लग जाएगी। आइए चलते हैं पैड की स्क्रीन की तरफ। आइए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है बता देता हूँ। पहले खाने में I-20 एक ही बैंक है, दूसरे खाने में L-12 एक ही बैंक में है, तीसरे खाने में I-20 और दूसरे खाने में दूसरी बैंक में H-11 दूसरी बैंक में एक बैंक में H-11 और दूसरी बैंक में I-20, चौथे खाने में B-47 का बेस और दूसरी बैंक में A-15 का क्लिप, I-02 का इसमें बेस है घिसा एक ही बैंक में,
H27 की चौक है इसमें मिक्स, और दूसरी बैंक में ढोलक की चांटी है IN039 नंबर की, और इसमें सातवें खाने में H11 की चौक है एक ही बैंक में, और इसमें B47 का बेस और H14 के घुंघरू दोनों बैंकों में है। आइए इसका वॉल्यूम सबका 127 है, केवल छठे खाने का चौक का वॉल्यूम 80 है, बाकी सबका 127 है। आइए सबका टोन देख लेते हैं। घिसा 0 है, -0। दूसरे खाने का कांगो +4 है, ये भी -0 है, 0। बेस क्लिप चौथे खाने का ये भी 0 है, और इसमें बेस -2 है, I02 का -2 है बेस। इसमें चांटी -0 ही है, 0। अपनी इच्छा अनुसार जैसे मिलाएं, जितने से मिलाते हैं बजाते हैं उतने से मिला लें। और ये चौक 0 है, और इसमें घुंघरू जो पड़े हैं, घुंघरू H14 के, वो घुंघरू -8 के हैं, 8 से हैं 8, और घुंघरू का लेवल है 30, घुंघरू का बेस है, लेवल है 30, और बेस का 60 है, बेस मतलब दोनों बैंकों में बेस 60 और घुंघरू 30 है, इसमें 70 है, इसमें पूरा 100 है चांटी का, इसमें 60 है एक ही बैंक में, इसमें 50 है घीसे का, इसमें 70 है, और इसमें भी 70 है दोनों बैंकों में, और इसमें 60 है, 60 बेस है और 70 क्लेप है। ठीक है, अपने पेड में बनाएं और बजाएं, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा हमारा पैच, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।